करोड़ों का बुरा हाल है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देख अभी तो मेरे को 2 साल बने हुए हैं, मैं कम से कम 30 सड़कें ऐसी जो मंजूर करवाई, नई सड़कें, तो जितनी 12 फुट की सड़कें उससे 18 फुट की हो जाएंगी, जो कच्चे 5 करम की 6 करम की हैं वो सारे डिप्टी सी दूसरे चौटाला जी ने, मनोहर मुख्यमंत्री जी ने तो चुनाव स्पेशल पूरे हरियाणा में ऐसा सड़क का काम चल रहा है जहाँ पर चुनाव दास काम चल रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूँ चुनाव जनता को कि 5 साल के अंदर सभी नई सड़कें हो जाएंगी, जो 12 फुट की 18 फुट की हो जाएंगी, जो 30-35 सड़कें अपनी आज तक कभी बनी नहीं कच्ची पड़ी हैं तो वो पक्का करवाने काम करेंगे। एक विधायक जी, जुलाना क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ भूमि में पानी खड़ा हुआ, इसका स्पेशल गुरदौरी होगी है सभी की, सभी गांव में जाके पटवारी तहसीलदार कानूनों ने स्पेशल गुरदौरी करी है, और जहां पर भी जुलान जिस गांव में जहां पंप लगवाए हैं, जिसने जो मांग पाइपलाइन दबवाई है, जो भी मांग, अरे हमारा एक फ्लड का एजेंडा है, कल मीटिंग ले रखी थी उसमें जितने 34-35 गाँव हैं, हर एक गाँव में पाइप लाइन दबा के स्पेशल कनेक्शन करवा के फल के उसको पानी निकालना, अगली बार ऐसा काम है बारिश के समय जुलान फल से मुक्त कर देंगे। एक जुला ये बूढ़ाखेड़ा गांव के जो ग्रामीण, उन्होंने ये कहा था कि ब्राह्मण वास के लोग पानी नहीं उतारने देते क्योंकि सोनीपत के MP का उनके ऊपर हाथ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, MP MLA या मुख्यमंत्री या डिप्टी CM हो, उन्हें सभी बराबर हैं, 36 बिरादरी साथ में लेके चलते हैं, ये तो आपस में मतभेद होते हैं लोगों को, किसी ना नाम ले किसान झगड़ना होता है, ये अपने बराड़खेड़ा और बुआना में झगड़ा आता तो अपने में किसान भाइयों का वो पानी पूनी बच, जब किसी फसल खराब हो जाती है सब अनुभूषा तब फसल पकी हुई है तो आपस में मटा, फिर भी उनका समाधान पाइपलाइन के साथ में पानी निकाल दिया। बूढ़ाखेड़ा मेरी नॉलेज में आता, मैंने पाइपलाइन दिलवाई है उनको, भाई तेल जितना आज जुलाना में 60 लाख का, पूर्व विधानसभा में जुलाना 60 लाख का डीजल तेल दिया सरकार ने पानी निकालने के लिए, पंप लगवाए, कनेक्शन करवाए, मोटर दी, जो जिसने अपने जिस गांव की समस्या थी जिसने जो मांगा हमने वो दिया। दीपावली की धनतेरस की शुभकामना देता हूँ पूरे हरियाणा प्रदेश को, पूरे प्रदेश को, पूरे देश को, मेरी तरफ से जुलाना विधानसभा सभी देश को दीपावली शुभकामना।